नमस्कार दोस्तों, परीक्षा वाणी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पुलिस के बारे में। तो इसमें वैकेंसीज आई हैं, कितनी वैकेंसीज हैं आपको हम बता देते हैं, डिटेल्स में जानकारी देंगे और क्या क्या इसमें मांगा है और कब इसकी ऑनलाइन फॉर्म की डेट तो आज ही है, जैसे कि मैंने वीडियो बनाई 24/8/2018। तो इसकी लास्ट डेट सबके बारे में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो। तो पूरी डिटेल्स में हम वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो में कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा वरना समझ में नहीं आएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। तो पूरी डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में ही है, जैसा कि आपको मैं शुरुआत से बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग तथा प्लाटून कमांडर के पदों की पूर्ति हेतु राज्य के स्थानीय निवासी पुरुष महिला उम्मीदवार से छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट इतने पर दिनांक 24/8/2018 से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ओके, अगर आप हिंदी में नहीं समझ पाए तो मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। ओके, कौन सी वैकेंसी चाहिए? छत्तीसगढ़ पुलिस SI, सूबेदार, प्लाटून कमांडर। ओके, तो ये तो इंग्लिश में ही है, तो सूबेदार वगैरह तो है ही, और उसमें SI देख लीजिए आप। ओके, जो समझ में नहीं आई होगी, तो SI, सूबेदार, प्लाटून कमांडर, इनके पदों पर आपके लिए भर्ती है ये 24/8/2018। ये आज यानी कि ऑनलाइन हुई हैं, आप भर सकते हो इसकी वेबसाइट पर जाकर। इसकी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आवेदन की डेट बता देते हैं। भरने की प्रारंभिक तिथि यह है 24/8/2018। अब अंतिम तिथि की ओर चलते हैं, तो अंतिम तिथि है इसकी 16/9/2018। परीक्षा शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं। सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तो सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग की तो जाएगी इसमें 400 रुपये फीस। ओके, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इनकी जाएगी 200 रुपये। ओके, तो आगे चलते हैं। ये आपकी स्क्रीन के सामने रिक्त पदों की संख्या तथा उनका वेतनमान आपकी स्क्रीन के सामने है। ये आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, सूबेदार टोटल है इसमें 25, इधर उप निरीक्षक तो इसमें है 381 और उप निरीक्षक विशेष शाखा 37, तो टोटल इसमें वैसे दे रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो हिंदी में है ना ये, अनारक्षित अज्जा अजजा, तो हिंदी में है ये, आप देख सकते हो। ओके, खैर हम आपको बता देते हैं। और इसमें सबकी, इसके सामने जो योग लिखा है वो टोटल है। ओके, तो देख सकते हो आपकी स्क्रीन के सामने, आप टोटल पर ध्यान दीजिए। और प्लाटून कमांडर इसमें 184, तो देख लीजिए आप। और वेतन तो सभी का इसमें समान दिया है, वेतन है इसमें 35,400। ओके, आगे थोड़ी सी जानकारी और दे देते हैं आपको। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है, ये इम्पोर्टेंट बात है। कभी अलग राज्य वाले भी इस बारे में सोच रहे हों तो उनके लिए इम्पोर्टेंट जानकारी ये लिख रही है यहाँ पर। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। ओके, आगे चलते हैं। आरक्षण की बात करते हैं अब हम। आरक्षण भी इसमें लिखा हुआ, भूतपूर्व सैनिक के लिए 10%, आगे कर्मचारियों के लिए विभागीय कर्मचारी जो हैं उनके लिए 0.5% एवं महिलाओं के लिए 20% समस्तर एवं विभागवार आरक्षण रहेगा, परंतु महिला को प्लाटून कमांडर पद के लिए भर्ती की पात्रता नहीं होगी। ओके, इम्पोर्टेंट जानकारी है ये, फोर्थ पैराग्राफ में देख लीजिए अच्छे से, मैंने आपको बताया। और फाइव पैराग्राफ की ओर चलते हैं, तो इसमें आयु की बात करते हैं अब। सामान्य जाति के लिए उम्मीदवार की आयु दिनांक 1/1/2018 को 18 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, और इसमें आगे देख लीजिए आप,
ये पूरा पैराग्राफ है, इसमें जानकारी दी हुई है कि उम्मीदवारों को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट प्रदान की जाएगी। वैसे इसमें जाएगी लिख रखा है, बट जाएगी अच्छा समझ में आता है, ओके, इसलिए मैंने बताया। इसके अतिरिक्त 6 गैर शासन के कर्मचारी भूतपूर्व सैनिक शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडाधूर महाराजा प्रवीर चंद भजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त युवाओं को भी नियमानुसार उच्चतर आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी या जाएगी, ओके। यहाँ पर 6वें पैराग्राफ में आपको डिटेल्स में बताया गया है 1, 2, 3, 4 सबके बारे में, ओके, इसे आप पढ़ लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, यहाँ रोक के भी पढ़ सकते हो वीडियो को। अब बात आती है शारीरिक अर्हता के बारे में, इसमें आपको बताया गया है पुरुष उम्मीदवार, डायरेक्ट बता देते हैं हम, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पुरुष उम्मीदवार न्यूनतम ऊंचाई 61 सेंटीमीटर, सभी वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई 153 सेंटीमीटर, पुरुष उम्मीदवार का सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, ओके, अनिवार्य है, ये लिखा हुआ है इसमें। सीना फुलाने एवं बिना फुलाने से कम 0.5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। वैसे इस बात को सभी जानते हैं। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए, नौकनी फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो मैं आपको आगे इस बारे में बता दूंगा, ओके। उम्मीदवार को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए, आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख से 6x6 तथा दूसरी आंख की बिना चश्मे के 6x9 से कम नहीं होना चाहिए। वैसे इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ डिटेल में वीडियो बना दो आपके लिए, ओके। मुख्य रंगों के भेद में उम्मीदवार को सक्षम होना चाहिए, मैं डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, चिंता मत कीजिए। अब इसमें आगे आती है 8वां पैराग्राफ, चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया 2 चरणों में संपादित की जाएगी, ओके। तो वीडियो मुझे लगता है ज़्यादा लंबी होती जा रही है, ओके, तो इसे छोड़ देते हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इम्पोर्टेंट जानकारी देते हैं आपको, लिखित परीक्षा हिंदी एवं अंग्रेजी में दक्षता तथा वो एप्टीट्यूड टेस्ट 100 अंकों का होगा आपका, ओके, हिंदी अंग्रेजी भाषा हेतु 60 अंक तथा एप्टीट्यूड टेस्ट 40 अंक के होंगे। इसकी अवधि 2 घंटे की होगी। यह परीक्षा सभी पदों के लिए अनिवार्य होगी, ओके। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन 100 अंक, 3 घंटे की होगी अवधि। आगे चलते हैं विज्ञान की तरफ, तो विज्ञान में आप देख सकते हो 100 अंक, 2 घंटे की अवधि। और चौथे जो इसमें ऑप्शन है, इसमें कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा 100 अंक की होगी, 2 घंटे की अवधि होगी। तो इसमें आगे और भी जानकारी लिखी हुई है, जैसे कि उप निरीक्षक के लिए होगी, यह केवल उप निरीक्षक के लिए है, ओके, तो जो आपके लिए है वो देख लीजिए। भर्ती नियम एवं अन्य विवरण का अवलोकन विभागीय वेबसाइट पर किया जा सकता है, ओके, वेबसाइट दे रखी है, आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, पर हमने आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझाया होगा इस वीडियो में। फिर भी कुछ रह गया हो तो सवाल हो आपका, कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट कीजिए और हम आपकी सहायता बिल्कुल करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे इस वीडियो में हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।